अच्छे बच्चे हैं पक्का? यस सर। हम सबको पता हम अच्छे बच्चे हैं? यस। बहुत धीरे आए, जिन्होंने यस बोला उनको पता है, और जिनको नहीं पता है आपको मालूम है आप लोग अच्छे बच्चे हो? नो सर। नो सर, किसी ने नो बोला? कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों की अवस्था ही ऐसी है, कंफ्यूजिंग वाली। कब हम बड़े हो गए, कब छोटे हो गए, कब हम अच्छे हैं, कब बुरे हैं। घर में बोलेंगे तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम हमारा कहना नहीं मानते, कितने गंदे बच्चे हो, ये भी नहीं करते हो। तो दिमाग क्या हो जाता है? कंफ्यूज है ना? नहीं होता है? कभी कोई काम दिया आपको तो बोलते इतने बड़े हो गए आप ये काम भी नहीं कर सकते, और कभी कोई काम देते कहते इतने बड़े भी नहीं होगी तुमसे ये काम होगा। फिर दिमाग कंफ्यूज, समझ ही नहीं आता कि कहां बड़े हो और कहां छोटे हो गए। कभी कोई कुछ बोलता है कि बेटा ये कर लो, तो बोला हाँ हाँ मैं कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगा, तो आपको काम दे देंगे। लेकिन कभी नहीं पे करूंगा, नहीं तुम इतने बड़े नहीं होगी, डांट पड़ जाती है, तो क्या होगा? घबराहट सी होती है, डर लगता है, और कभी कभी तो अच्छी बात भी पूछनी होती है तो समझ नहीं आती कि पूछूं कहीं थप्पड़ना पड़ जाए, कहीं डांटना पड़ जाए, कहीं आलोचना ना हो जाए, कोई मजाक ना बना दे। ये केवल घर में नहीं, स्कूल में भी होता है, और चलते चलते आसपास जब दोस्तों के बीच में रहते तो भी ये प्रॉब्लम होती है ना। अब ये बताओ कितनों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो अपना हाथ पूरा खड़ा करे। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। मतलब अधिकतर बच्चों के साथ होती है। मैं सही जगह पे हूँ, हम सभी को इसका सॉल्यूशन चाहिए। चाहिए? यस सर। तो वेरी गुड। अब आने वाले घंटे से डेढ़ घंटे कोशिश करूंगा कि दो बजे तक खत्म कर दूं, लेकिन क्योंकि मैं इंसान हूं, हूं ना मैं इंसान? यस सर। दूसरे ग्रह से तो नहीं, एलियन तो नहीं हो ना? नो सर। तो इंसान की खासियत है वो कुछ चीजें भूल जाता है। क्या जाता है? भूल जाता है। अगर मैं कोई चीज भूल जाऊं कि एक घंटे में सेशन खत्म करना है, तो आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? नो सर। किसी को भूख तो नहीं लगेगी? नो सर। और अगर मम्मी पापा पूछेंगे कहाँ रह गए तो क्या बोलोगे? स्कूल में रह गए और पांडे सर के वर्कशॉप में रह गए, बोलोगे? यस सर। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, ये चेहरा दिख रहा है? यस सर। देखो मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर। कोई मेरा डुप्लीकेट तो नहीं आया? नो सर। मैं भविष्य का मनुष्य तो नहीं हूँ ना? नो सर। पक्का? यस सर। यकीन हो गया ना? यस सर। मेरे दो पैर है, दो हाथ है, दो आंख है, दो नाक, मैं इंसान हूँ ना? यस सर। भूत तो नहीं हूँ ना? नो सर। यकीन हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो बच्चों हम लोग, क्योंकि अब मैं मान गया कि आप सभी लोग इस वर्ष यथार्थ वर्तमान में हो और आप लोग सुन सकते हो बहुत अच्छा, आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरह देख सकते हो, है ना? यस सर। और मेरे को समझने की क्षमता भी है आपके पास, क्योंकि मैंने जितनी बातें बोली उसमें रिप्लाई बहुत अच्छा है। मतलब हम सभी एक बेहतरीन बच्चे हैं और सारे बच्चों के पास वो सारी शक्तियां हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो बच्चों ये क्या चीज है और मैं क्यों आप लोगों के बीच में आया हूं और क्या जरूरत है, ये सारी चीजों में से कुछ चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग खाना खाते वक्त बेस्ट चीज को आखिरी में खाते हैं। कितने लोग करते हैं? हम सब करते हैं ना? वेरी गुड। मतलब आप लोग मेरी तरह अभी भी बच्चे हो, हंसे ना? मैं तो अभी भी दिल से बच्चा हूँ, शरीर से क्या होता है ना? वेरी गुड। तो बच्चों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडोलसेंट, हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। इंग्लिश एक भाषा है और हिंदी भी एक भाषा है, और आपके पास कौन सी अच्छी भाषा है? कितने लोग जानते हो? सब जानते हो? वेरी गुड। अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा तो आप उससे डरोगे तो नहीं? घबराओगे तो नहीं? और अगर इंग्लिश में बात करोगे, कोशिश करोगे, तो डर तो नहीं लगेगा?
करोगे? यस सर। कितने बच्चे? सब कोशिश करो। टूटी फूटी तो क्या हुआ, हमारी थोड़ा ना, हमारी तो हिंदी है ना। और अगर कोई इंग्लिश में बात करेगा तो उसे डरेगी नहीं, ठीक है? तो मैं आप लोगों से किस भाषा में बात करूं? हिंदी में अच्छा रहेगा ना? yes. सबको समझ में आएगा? yes, sir. Very good. किशोर अवस्था उम्र होती है 9 साल से 18 साल। कितने बच्चे यहाँ 9 साल से कम है? कोई नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे 18 साल से ज्यादा है? कोई नहीं है। तो हम सब किशोर अवस्था है, सब लोग किशोर है ना? yes, sir. इसी अवस्था में है ना? Yes, sir. Very good. WHO बोलता है 10 से 19 साल और हम लोग बोलते हैं 9 से 18 साल। इस उम्र में बड़ी मजेदार चीज होती है हमारे साथ, और वो होता है रोज लड़ाई। कभी कभी ना खुद पे गुस्सा करते हैं और सामान पटक देते थोड़ा, और कहते मम्मी मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, मम्मी खाना नहीं दे रही है। और झिल्ला कर हम किस पे गुस्सा करते हैं, और नुकसान किसका होता है? कितने लोग मेरे वाले हैं वो सब हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, वेरी नाइस। नुकसान किसका होता है? मेरा। और यही है किशोर अवस्था। इसके अलावा हमें मजा भी बहुत आता है, हमें मजा भी बहुत आता है। जैसे किसी ने प्यार से बोल दिया तो उड़ने लगे, किसी ने तारीफ कर दी तो, और किसी ने तारीफ कर दी तो पढ़ने भी लगते हैं, और उसको और बेहतर साबित करने के लिए बहुत पढ़ते हैं। तो ये अच्छा काम है कि बुरा? वेरी गुड। मतलब आप लोगों को अच्छा और बुरे के बारे में भी पता है। तो ये किशोर अवस्था में क्या होता है कि ये कुछ बस स्टॉप जैसा है। क्या है? बस स्टॉप। सभी लोग बस से सफर करे हो ना? yes, sir. वो स्टॉप क्या जिंदगी भर रहता है क्या? गाड़ी रुकती है फिर आगे बढ़ जाती है, फिर वो कहीं रुकेगी फिर आगे बढ़ जाएगी। तो हमारी जिंदगी में ये अवस्था एक बस स्टॉप की तरह है, और उसका टाइमिंग है 9 से 18। इस उम्र में हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ बदल रहे होते हैं, और यहां पे जो चीज भी हमारे साथ बदलाव में आती है वो आगे चल के हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। अब शर्त यह है कि इस बस स्टॉप के ऊपर हमें मिलती है बहुत सारी चीज। वो मिलती है हाइट। क्या मिलती है? हाइट। अचानक बढ़ जाती है, हर दो मिनट मम्मी कपड़े छोटे हो गए, पापा कपड़े छोटे हो गए, मैं अच्छी नहीं दिख रहा या दिख रही है ना। हम सबको अपना रूम बड़ा अच्छा लगता है, हम सबको एक प्राइवेट रूम चाहिए, अपना बिस्तर चाहिए, अपना लॉकर चाहिए, है ना। और हमें अपनी खुशी चाहिए, खाना भी मुझे उसी तरीके से मिले जैसे पापा या मम्मी को मिलता है ना। ये बड़ी कॉमन चीज है, और यहीं पे हम आदतें विकसित करते हैं। तो मैं किशोर अवस्था पे और आगे जाऊंगा, हम लोग किशोर अवस्था में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पे सीखेंगे कि हम कैसे अच्छी आदतें बनाएं, कैसे हम अपने आप को बेहतरीन बनाएं ताकि जो हम बनना चाहते हैं वो बन सके, किस तरीके से हम खाएं पिएं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हमारी नहीं, मेरी। अभी जो इतने अच्छे बच्चे थे क्या बोले? मेरी। तो यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। हाँ, और मेरी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे हम जो कुछ भी करेंगे वो होगी मेरी। क्या? मेरी। वेरी गुड। तो मैं आप लोगों को से गुजारिश करूंगा कि इस वर्कशॉप में आए कौन कौन लोग? आप लोग स्वयं आए हो, और आप लोग शरीर से और दिमाग से यहाँ प्रेजेंट हो, और आने वाले घंटे तक रहोगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके प्रिंसिपल सर, प्रबंधक सर, और आपके बीच अतुल तिवारी जी हैं, पीछे देखिए वो सर हैं, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया,
और मैं यहां तक आया हूं। तो आपके प्रिंसिपल मैनेजर सर यानी प्रबंधक सर अतुल तिवारी सर और आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से अपना और सबका स्वागत करें। ताली खुलकर बजाएं क्योंकि इस कार्यशाला में जो कुछ भी आपको बताया जाएगा वो कोई ना कोई टेक्निक है और वो आपकी जिंदगी से बहुत संबंध रखती है। मतलब रोज हर वक्त हर घड़ी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में मेरे साथ कुछ लोग मेरी मदद करते हैं, उनमें से ये कुछ चेहरे यहां पे हैं जिसमें से आपके हैं प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी। ये आपके प्रिंसिपल हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ प्लस इंस्पा उत्तर प्रदेश इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। ये श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के इसके भी हेड है और इनकी प्रेरणा से ही मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। साथ में सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में। ये डॉक्टर पूजा पांडे जी हैं, मेरी वाइफ है, अनका होम्योपैथिक क्लिनिक है इनका और वहां पे ये डॉक्टर हैं। एडवोकेट डीपी पांडे जी, क्योंकि किशोर अवस्थाओं में अक्सर हम गलत रास्तों में पड़ जाते हैं और वो हमें किस तरीके से भटका देती हैं और उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, राइट, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे चल के, उसके ऊपर ये बच्चों को अवेयर कराते हैं। और इनको तो आप जानते हैं, पहचान गए, वेरी गुड। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, यहाँ पे मेरा व्यवसाय लिखा है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, लेकिन एक्चुअल में मैं एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं और मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की है। पिछले 17 सालों से मैं रोज हर वक्त 12 से 16 घंटे जहाज पर उल्टा लटका रहता था और उसमें काम करता था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में फर्स्ट फ्रंट लाइन पे था, तो फ्रंट लाइन में बहुत हार्ड काम होता है लेकिन उसमें मजा आता है। क्या रहा मजा, और उस मजे के साथ साथ में मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैंने मास्टर इन साइकोलॉजी किया है और उसमें मेरा सब्जेक्ट रहा है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, मतलब और क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी का। इसके अलावा मैंने, क्योंकि जब चीजें सीख ली तो इनको मैनेज भी करना है, मैनेज करते हो आप लोग, रोज किताबें रखते हो बैग के अंदर, क्या सब्जेक्ट लाना है मैनेज करते हो, तो ऐसे ही इंसान और मशीन को कैसे मैनेज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं, तो मुझे लगा कुछ एकेडमिक चीजें पढ़ ली जाए जैसे आप लोग किताब में पढ़ते हो, तो मैंने MBA इंटरनेशनल मैनेजमेंट किया। इसके अलावा क्योंकि COVID-19 आ गया तो मैं कुछ महीनों तक तेलंगाना में रहा, ये जानने के लिए कि मेरी आवश्यकता कहाँ ज्यादा है, वहां पे नौकरी करना है या अपने देश में और खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट में आकर मैं आप जैसे बच्चों से मिलूं। तो मुझे लगा कि आप जैसे बेस कीमती बच्चों के पास मिलना ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं कहीं नौकरी करूं, तो अच्छा है कि बुरा डिसीजन है मेरा, अच्छा है ना, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसको अच्छा कहा। लेकिन इसकी सफलता जब ही मुझे मिलेगी जब मैं यहां से आप लोगों को दो चीजें सिखाकर जाऊं और उन चीजों को आप रोज हर वक्त हर घड़ी अभ्यास करो। तो मैंने ये सब्जेक्ट लिया एडोलसेंट, क्यों लिया, इसका कारण है कि हम लोग बहुत सारी गलत धारणाओं में चल रहे हैं, जैसे हम अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, उनको लोग बोलते हैं मुंह मियां मिट्टू बनना, क्या बोलते हैं मुंह मियां मिट्टू बनना, हाँ बोलते हैं अरे क्या तुम अपनी तारीफ कर रहे हो। दूसरी चीज लोग बोलते हैं अपने सीक्रेट्स, आप कुछ बनना चाहते हो कुछ करना चाहते हो किसी को मत बताओ, अपने गोल्स मत बताओ, ऐसा बोलते हैं। और
जब भी कोई नया काम करने जाते तो हम सोचते हैं कि जब हमारे पास सारी चीजें आ जाए, क्या आ जाए, हाँ, जब हमारे पास वो सामान आ जाए, हम उस जगह पे पहुंच जाए या फिर इतना सारा कुछ हो जाए तभी हम वो काम कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग इंतजार करते रहते हैं, वो काम होता नहीं है, ये धारणा है। इसको लोग बोलते हैं ना नौ मन गेहूं बोई ना राधा गौने, कितने लोग जाते हैं बात, वेरी गुड, ये सुनने को मिलता है ना कि आप जब पूर्ण हो जाओ, संपूर्ण हो जाओ तभी कोई काम शुरू करो। लेकिन इन सारी धारणाओं को कौन बदल सकता है, आप, हम नहीं, मैं, कौन, वेरी गुड। तो अब मैं आपका आपसे परिचय कराता हूं। किशोर अवस्था 9 से 18 साल, यहां पे, हाँ बेटा यहां से सुने, बैठते वक्त कमर सीधी रखे पहले तो, और एक दूसरे पर लगे भी, क्या नहीं करें, हाँ, एक दूसरे को पुश ना करें। लड़ने का मतलब है कि मैं उसको तकलीफ दे रहा हूं, और केवल उसको तकलीफ नहीं होगी, आपको भी तकलीफ होगी, क्योंकि जब आप कंफर्टेबली नहीं बैठेंगे तो आपका दिमाग बार बार वहां फोकस करेगा, और जहां पे दर्द होता है दिमाग वहीं रहता है। दर्द अच्छी चीज है कि बुरी चीज, बुरी चीज, हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस है, क्या है, हाँ, अगली बार आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे बैठना है। तो जब तक कोई बुरी चीज ना हो तब तक हमारे साथ कोई अच्छी चीज होती है, तो बुरी चीज होना उसका स्वागत करो और उसे लर्न करो, और उसको क्या बोलोगे, एक्सपीरियंस, क्या बोलोगे, एक्सपीरियंस। हाँ, अगर फेल होते हो तो उसको क्या बोलोगे, एक्सपीरियंस। और कोशिश फिर से करोगे, क्या करोगे, कोशिश, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे बड़े अच्छे बच्चे, ताली बजाओ। बड़ी लंबी ताली बज रही है, टाइम किसी में ताली में चले जाएगा। तो कमर सीधी रखें, बॉडी बैलेंस रखें, और बी अटेंटिव, लंबी सांस ले लो। कोई सपनों की दुनिया में नहीं जाना जब मैं बात करने लगूं, यहीं रहना मेरे साथ रहोगे ना, यस सर। हाँ, किशोर अवस्था में हमारी हाइट बढ़ जाती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती, यस सर। तो जब हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और ये शारीरिक बदलाव के साथ में हमारा दिमाग का भी बदलाव हो रहा है। हम चीजों को अलग नजरिए से देख रहे हैं, अलग तरीके से समझ रहे हैं, हम लोगों की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। किसी के साथ में हम जब किसी से मिलते हैं तो परस्पर आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, ये चीज भी हम सीख रहे हैं, रोज नए तरीके सीख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और किशोर अवस्था में चीज होती है, वो है तर्क वितर्क करने की, बेचैनी सी रहती, कब हम बोल दें, और किसी की बात हम पूरी सुनते नहीं है और उसे बातों में उलझ जाते हैं, जिसे हमारे इधर कहते हैं बहस। क्या बोलते हैं, हाँ, काहे बहस कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। आप लोग भोजपुरी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, बोलते हो, तो मेरी बात समझ में आ रही है ना, हाँ। तो अक्सर हम इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं, और कहां पे हमें बहस करना है, कैसे करना है, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हमारे शारीरिक बदलाव के साथ हम ये चीजें भी सीख रहे हैं। इसीलिए किशोरावस्था में जो बच्चे आते हैं उनके साथ में कई बार क्या होता है, या तो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं या एकदम खामोश से हो जाते हैं। जो बच्चे पहले बहुत बढ़िया लिखते थे, गाते थे, पेंटिंग करते थे, ब्रश करते थे, डांस करते थे, वो इस किशोरावस्था में आके अपने आप को रोक लेते हैं। उन लोगों के अंदर एक अजीब सा डर आ जाता है आलोचना का, क्यों, क्योंकि उनकी सोचने समझने की जो समझ है वो पहले से ज्यादा हो गई है। उनको अपने शरीर के हिसाब से उनका दिमाग लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, और वो एक सेकेंड रुको, उनके शरीर के हिसाब से लगता है कि उनकी जो तर्क करने की शक्ति है वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, हमेशा बड़ों जैसा एक्ट करने लगते हैं। लड़कियां मम्मी जैसा दिखना चाहती हैं, दीदी जैसा दिखना चाहती हैं, बुआ जैसी दिखना चाहती हैं, लड़के पापा जैसे दिखना चाहते हैं, भैया जैसे, जो उनको पसंद आता है, जिनका स्टाइल उनको अच्छा लगता है, जिनके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा लगता है। केवल यही नहीं, आप लोग बातों को भी कॉपी करने की कोशिश करते हो। अगर कोई बहुत अच्छा बोलता है और बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, आप उसको कॉपी करते हो और फिर उसका अभ्यास करते हो।
आपने देखा होगा आप लोगों को अच्छा लगता है कि अब आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो, लोग उसकी तारीफ करें, है ना, कोई तारीफ करे ये हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई हमको सुझाव दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, सुझाव या फीडबैक, सुझाव क्या होता है हमारी बेहतरी के लिए, उसको हम कैसे ले रहे हैं, वो हमारा प्रोडक्टिव है या इनप्रोडक्टिव है, मतलब वो हमारे फायदेमंद है या नुकसान के लिए, ये हम तय नहीं कर पाते। हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हम तुरंत उसका रिएक्शन दे देते हैं और हम कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं अब सब कि हमको भी बुरा लगता है और सामने वाले को भी होता है। ये कॉमन है किशोर अवस्था में, ये इसलिए होता है या तो आपका बायोलॉजिकल नीड है, आपके शरीर में अजीब से प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि शरीर बदल रहा है, बहुत नया हो रहा है हमारे साथ, या तो आपको बहुत तेज भूख लगी है, या आपको किसी पहले की बात को आप बार बार सोच रहे हो और उस दिन आपने गुस्सा उतार दिया, या फिर आपके मन में आपकी मनपसंद चीजें नहीं हो रही हैं, या आपके अनुसार नहीं हो रही है, या आपको जो मांगी है वो चीज नहीं मिली, इस वजह से आप इस तरीके की काम कर रहे हो। किशोर अवस्था में ऐसा होता है, किशोर अवस्था में बहुत कॉमन है, ये कोई एक बच्चे के साथ नहीं होना है। और हम चीजों को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, टीनएजर्स में क्रश होना बहुत कॉमन है, क्रश समझते हो, आकर्षित होना, लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ, या लड़का लड़की की तरफ, या लड़की लड़की, ये डिपेंड करता है आपने कैसी मानसिकता बनाई है। इसी तरीके से हमें गंदा खाना भी अच्छा लगता है, जैसे जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, तली भुनी चीजें, हमें लगता है कि ये हमारी बेहतरी के लिए, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई समझाता है तो कहेंगे आपने तो खा भी ना, हमने क्या खाएंगे बताओ, क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम झेल रहा है इसलिए वो आपको बता रहा है, लेकिन हमारा दिमाग उधर की तरफ हमको खींच रहा है। इसके अलावा बहुत सारी तनाव है, हम सबके पास एक परेशानी है और वो परेशानी हमने खुद क्रिएट की है, मैंने खुद क्रिएट की है, और वो कैसे की वो मैं बताऊंगा, और इस परेशानी से कैसे निकलना है ये तरीका बताऊंगा। इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम अपने शरीर को पहले वो इंपॉर्टेंट चीज दे दें जो उसको चाहिए, और वो क्या चीज है, खाना। क्या है? हाँ, हम अगर इस शरीर की रिक्वायरमेंट है पहले खाना, अगर हम सही तरीके से खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वस्थ। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे स्वस्थ विचार बनेंगे। भूख की वजह से 90% काम बिगड़ जाता है, ना पढ़ाई में मन लगता है और ना मम्मी पापा के साथ बैठने का मन करता है, राइट। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट, उसमें जो खाने में सब कुछ हो, पूरी थाली में सब कुछ हो, और उसमें कम से कम सबसे पहले हमें सैलेड खाना है, कोई भी खाना खाने से पहले हमें सैलेड खाना है, सलाद खाना है, और उसमें होना चाहिए कम से कम 70% फाइबर। फाइबर होता है जो भी हरा दिखने वाला चीज, और वो चीज को हम इंसान कच्चा खा सकते हैं, जैसे पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, है ना। इसके बाद क्या आता है, चुकंदर के पत्ते, और क्या आता है, मूंग भिगोई मूंग रहती है, चना भिगोया हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर में जानते हैं, तो हमें पहले उसको खाना चाहिए। अगर कोई फास्ट फूड और जंक फूड या चॉकलेट दे तो उसको बोलना चाहिए ना। क्या बोलना चाहिए? ना। क्या बोलना चाहिए? ना। कितनों का दिल टूटा, किसी का दिल टूट गया? नहीं, नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो गंदा खाना है और वो हमको बीमार कर देगा, इतना बीमार कि हमारा तो शरीर तो गया ही, दर्द कौन झेलेगा, मैं खुद। दर्द किसको होता है? अगर ये बेटी को दर्द होगा तो क्या मैं इसको बोलूंगा कि मेरे को भी दर्द वसी हो रहा है? नहीं, क्योंकि मैं इसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हूं, ये दर्द इसको खुद झेलना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको झेलना पड़ेगा। हमें नींद पूरी लेनी है 6 से 8 घंटे, कितने, पानी पीना है 2 से 3 लीटर तक, और जितना हमारा रिक्वायरमेंट, अगर हम खेलते हैं प्यास लग रही है तो बराबर पानी पियो, राइट। ये तो हो गया हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अब हमें चाहिए स्वस्थ मन। क्या चाहिए? स्वस्थ मन। हाँ,
क्योंकि अच्छा खाने के लिए हमें स्वस्थ मन चाहिए और स्वस्थ विचार चाहिए। वो चीज कैसे आएगी? वो आएगी जब मैं खुद को पहचानूंगा। कौन? हाँ, क्योंकि तुम्हें मालूम है हमारा दिमाग दो तरीके का रहता है, एक चेतन और एक अचेतन। क्या रहता है? हाँ, जो छोटे बच्चे सिक्स क्लास के हैं वो कहाँ है? प्यारे से बच्चे, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है हिंदी? वेरी गुड। होता क्या है, ये जो प्यारे से बच्चे यहाँ बैठे ना, फूल से सारे बच्चे, आप सभी लोग भविष्य के इंजीनियर हो। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, ये लोग, ये मेरे सामने इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, और आप भविष्य के टीचर हो, प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो। आपको हंसी आई अपने मन से? अजीब सी लगी कि कभी ऐसी बात हमने सुनी नहीं, सर कैसी बात कर रहे हैं, है ना? ये हमारा, हम नहीं कर रहे, हमारा दिमाग कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, मैं क्यों दिमाग पे बात कर रहा हूं, क्योंकि दिमाग को अभी तक ये नहीं पता कि जो ये इंसान है, ये शीशे में जो दिखने वाला खूबसूरत सा इंसान है, ये अपनी तारीफ खुद कर सकता है, इसको दिमाग को नहीं पता। और वो शीशे में दिखने वाला खूबसूरत इंसान कौन है? वेरी गुड, मैं। जिस तरीके से आपको मम्मी पापा से कोई सामान लेते हो, मम्मी पापा से, तो आपको कोई भी सामान चाहिए सबसे अलग चाहिए, सबसे खूबसूरत चाहिए, सबसे बेहतरीन चाहिए, और उसमें सारे ऑप्शन होने चाहिए, सारे ऑप्शन होने चाहिए ना? Yes, sir. और वो लोगों से अलग दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना? Yes, sir. तो होता क्या है कि ये तो इंसान की चॉइस है। आप सोचो, जब ऊपर वाले ने आप सभी को बनाया होगा, ऊपर वाले ने बनाया ना? Yes, sir. तो आप सभी में उसने कुछ तो ऐसा रखा होगा, ऊपर वाले ने यही सोचा होगा कि मेरी चीज सबसे स्पेशल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे अलग होनी चाहिए और सबसे खूबसूरत होनी चाहिए और हर एक में यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक क्वालिटी। और उसने जब बनाया तो उसने हर एक को एक जैसा नहीं बनाया। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा आवाज में बोल सकता है, कोई छोटा हाइट का होगा, कोई बड़ा हाइट का होगा, सबका एक पर्पस है। तो ऊपर वाले ने इसीलिए आप सभी को एक जैसा, आप सबकी दुनिया अलग है, आप सब एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग है। उसकी ना आंखें मैच करती है, ना स्किन का कलर, ना हाइट, ना साइज। तो ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन जब आप खूबसूरत अपने आप को बोलते हो तो क्या होता है? मेरा दिमाग हंसता है। क्यों? उसने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना। तो ऊपर वाले ने क्या किया, आप लोगों को इतना खूबसूरत बना के भेजा, इतनी सारी ताकत भेज के भेजी, लेकिन जब हम शिशु और बालपन में थे तो हमने बाहर की दुनिया को ये सच मान लिया, हमने अपने आप को पहचाना नहीं। यानी क्या? और जब हमने पहचाना नहीं तो हमने उसको रिपीट नहीं किया, और जब रिपीट नहीं किया तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और इसीलिए जब कोई आपकी तारीफ या आप खुद अपनी तारीफ करते हो तो आपको क्या लगता है? चल झूठे, और आप हंसते हो, ऐसा होता है? और या तो आपको लगता है कि लगता है जरूर कोई काम होगा, या सुबह से कोई बकरा नहीं मिला इसे, कोई तारीफ करे, है ना? ऐसा है ना? अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, क्योंकि जब आपको ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बनाया, हर एक बच्चा अपने आप में इतना खूबसूरत है, ये आपको मालूम हो गया? आपको मालूम हो गया आप खूबसूरत हो? Yes, आप लोग बेहतरीन हो? Yes, आप सब में वो सारी शक्तियां हैं जो ऊपर वाले ने आपने भरी है ना? Yes, जब इतना कुछ आपके अंदर है और ये आपको पता चल गया, तो इस इंसान से आप कब और कहां मिलते हो? हाँ नहीं, किशोर अवस्था तक पढ़ा है, कहां देखते हो? ये जो खूबसूरत इंसान है जिसको आपने कपड़ा पहना रखा है, जो इतना बढ़िया है, जिसमें सारी शक्तियां है, इसको कब मिलते हो? कहां मिलते हो? वेरी गुड। कौन है बेटा? ताली बजाओ उसके लिए। आप जब किशोर अवस्था में रहते हो तो आईना कितनी बार देखते हो? बहुत बार।
अगर किसी दुकान के जा रहे हो उधर आईडी जैसा दिख रहा है उधर भी एक बार पलट के देख लेते हो, किसी की गाड़ी का शीशा होता है उधर भी देख लेते हो, है ना? अच्छा लगता है देखने में? आपको पता है आप बहुत खूबसूरत हो, आपको पता है अपनी सारी शक्तियां, आप कुछ भी बन सकते हो, आपको ये भी पता है कि क्या चीज बुरी है और क्या चीज अच्छी है, हमें पता चलने लगता है, इसीलिए तो हमें आलोचना का डर लगता है, राइट? लेकिन कई बार हम जानते हैं कि ये सही है लेकिन दूसरों की बुराई की वजह से हम डरते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम खूबसूरत हैं तो जब हम आईना देखते हैं तो हम डरते हैं अपनी तारीफ करने में, है ना? इसीलिए हंसते हो। तो जब उस खूबसूरत इंसान को आप आईने में देखो तो उसको बोलो, ये तो मैं हूं, ये तो बहुत खूबसूरत है, वाओ राकेश यू लुक सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आपने वो सारी शक्तियां हैं जो आपको कुछ भी अच्छा इंसान बनने में मदद कर रही है। आप जो सीख रहे हो वो आप सीख सकते हो, और उस व्यक्ति को वो जो आप खुद हो उसका नाम लेके बुलाओ, जब आप बोलोगे तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दिमाग जो है वो एक वक्त में दो काम नहीं करता। क्या नहीं करता? या तो वो अच्छा सोचेगा या हाँ, और वो किसी भी शब्द को मजाक में नहीं लेता और वो हंसता भी नहीं है और ना उसमें शर्मिंदगी लगती है ना वो उसकी आलोचना करता है। अगर आपने उसको बोला खूबसूरत तो दिमाग उसको ले लेगा और वो आपको हमेशा खूबसूरत दिखाएगा। सोचो जब आप कोई नए कपड़े पहन के जाते हो, अच्छे कपड़े कहीं पे, तो वो आपके शरीर में होता है, राइट? तो आप कहीं जाते हो तो आपको लगता है कि मैं सबसे अलग दिख रही हूँ, सबसे खूबसूरत, या आप उसको हमेशा देखते रहते हो शीशे में कि ये दिख रहा है, आपके दिमाग में चल रहा होता है ना। तो जब आप अपने दिमाग को रोज बोलोगे कि मैं खूबसूरत हूं तो आपको एक मकसद मिल गया, वो क्या आ गया कि अब आपको कोई भी कुछ भी बोले कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोई बोलेगा अरे तुम तो काले हो, तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, गलत है ना? आपको पता है कि ये मैं नहीं हूं, ये कौन नहीं है नहीं। जब आप हो ही नहीं तो क्या परेशान हो गया नहीं ना? तो उसकी उसके दर्द को आप झेल सकते हो क्या? नहीं, वो उसका दर्द है। तो आईने में दिखने वाले इंसान की आप तारीफ करें, क्या करें? तारीफ। और जब उसकी तारीफ करें उस इंसान की तो उसको महसूस करें, क्या करें? महसूस। वेरी गुड। अब आप लोग अपनी कमर टेढ़ी कर लीजिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभ्यास हो गया, क्या नहीं है? अभ्यास। अगर आप अभ्यास करते हो अगले आने वाले 21 दिन तक, कितने? 21। कमर सीधी करके बैठना, बैलेंस करके, और रोज अपनी तारीफ करना, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम और वैसा हम महसूस करते हैं, वैसा हम बोलते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि अचेतन मन या आपका जो दूसरा दिमाग है वो कभी भी सामने नहीं आता, वो आपसे ऐसे काम कराता है जो आपको पता ही नहीं चलता, मालूम है बात नहीं? जो आपका अचेतन मन है वो आपके सामने कभी नहीं आएगा, वो हर वक्त आपके बिना पता चले वो काम करता है। जैसे इस वक्त आप अपनी पलके झपक रहे होंगे, क्या पता चलता है? दिन में कितनी पलके झपकते हो, कितनी बार सांस लेते हो? आज जब स्कूल घर से स्कूल आ रहे थे तो रास्ते में हर एक चीज को आप देख सकते हो, क्या क्या दिखा, सुबह क्या हो रहा था, कौन ऑटो वाला कहाँ खड़ा था, कौन सी दुकान बंद थी खुली थी, किस रंग को आपने देखा था, किस रंग का गेट था, नहीं ना? नोटिस ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारा मकसद क्या था? तो स्कूल आना, तो दिमाग ने उन सबको नोटिस ही नहीं किया, कितनी सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आए, कितनी सीढ़ियां हैं यहाँ पे, कितने दरवाजे और खिड़की स्कूल में है, कहाँ कहाँ क्या क्या कोटेशन लिखा है, उसको किसने क्या लिखा है, राइट? तो ये आपका अचेतन मन आपसे करवा रहा है स्कूल आने के लिए। आपने इतना अभ्यास किया है स्कूल आते वक्त कि आप कभी कभी तो अपने भूल ही जाते हो कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, बस आ जाते हो यूनिफॉर्म पहना पहुंच गए। तो ये आया हमें अभ्यास से या प्रैक्टिस से, और ये कैसे आएगा? ये 21 दिन में। क्यों ये क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि दिमाग को अभी तक ये नहीं पता कि ये जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? दिमाग। नहीं, दिमाग को पता है, दिमाग करा रहा है ना,
लेकिन करवा कौन रहा है? मैं। कौन? मैं। मैं दिमाग हमेशा दूसरों पे इल्जाम लगाता है। अगर खाना नहीं खाया तो शायद मम्मी पापा की गलती है, या स्कूल की गलती है, या कोई, हम किसी ना किसी पे इल्जाम लगाते हैं, हम किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, अगर कोई बदमाशी करेंगे तो किसको ब्लेम करेंगे? दोस्त को। अगर घर में कोई बदमाशी करेंगे तो भाई बहन को। और अगर कुछ नहीं मिला तो रास्ते में पड़ी कुर्सी, चेयर, टेबल, दरवाजा, सड़क, साइकिल, पेन, पेंसिल, कॉपी, जो मिल जाए उसके ऊपर इल्जाम। क्या गलत है? सही सही है, गलत है। क्यों? क्योंकि करवा कौन रहा है? मैं। अगर आप साइकिल के ऊपर बैठते हो, कितने बच्चे साइकिल चलाते हैं? वेरी गुड, ताली बजाओ। एक बार जिंदगी का एक अनुभव ये भी है, ये क्या है? एक्सपीरियंस है। आपने साइकिल चलाना सीखा तो उस सीख में बहुत कुछ सीखने को मिला। जब पहली बार आपने साइकिल पकड़ी होगी तो क्या करते होंगे? अरे हट जाओ, हट जाओ, ब्रेक। फिर समझ में आया ब्रेक नाम की कोई चीज होती है। अब कभी एक ब्रेक मारा तो साइकिल पलट गई या स्किड कर गई, तो समझ में आया कि दोनों ब्रेक मारना है और पेडल मारना बंद कर देना है। तो आज की डेट में आपको पता है कहां ब्रेक मारना है और कहां पेडल मारना है और कितनी गति से मारना है, कहां तेज चलना है, कहां स्लो चलना है। अब आपको साइकिल भागती हुई नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप साइकिल पे बैठे हो, आप वो गति को महसूस कर सकते हो। नहीं तो पहली बार साइकिल पे जब बैठे हुए दस लगा साइकिल भाग गई और आप वहीं रह गए, है ना? और जब चोट लगी होगी तो बड़ा दर्द हुआ होगा। क्या वो दर्द याद है आपको? वो महसूस कर सकते हो अभी वो दर्द? अगर वो दर्द होता तो क्या क्लास में आते? ऐसे चलते, दिमाग भूल गया। लेकिन दिमाग ने एक चीज याद रखा, साइकिल चलाने की कला। वो दर्द भूल गया, वो गिरना भूल गया, वो टकराना याद रहा, लेकिन उसने साइकिल चलाना नहीं भूला। आज की डेट में आप चलाते हो और इधर उधर बातें भी करते हो, दो चार लोगों को बैठा भी लेते हो, दो चार बैग भी टांग लोगे और मम्मी को और कुछ है तो दे दो, यहाँ पर लटका लूंगा मैं। क्या इसके लिए आपको सोचना पड़ा? नहीं, आपने इतना प्रैक्टिस किया कि वो चीज आप सीख गए। ऐसे ही जब आप किशोर अवस्था में आते हो तो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं हार्मोन। जब भी कोई आदत आप देखते हो, कोई आदत देखते हो, सुनते हो, करते हो, महसूस करते हो, ऐसे स्किन पे महसूस होता है, होता है? Yes, sir. जब ऐसी चीजें होती है तो हमारा दिमाग उनको प्रोसेस करता है। जो चीज काम की होती है वो याद रख लेता है जब हम उसके बारे में सोचते हैं, बार बार करते हैं, और जो चीज काम की नहीं रहती है उसको भूल जाती है। इसीलिए कल के दिन में जो इंपॉर्टेंट चीज रही होगी, जो आपने बड़ा मजा आया होगा या जिस चीज में बहुत दर्द होगा वो याद होगा, बाकी दिन भर का कोई चीज याद नहीं रहा होगा। और इसलिए पढ़ाई भी याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि दिमाग हमेशा शॉर्टकट मारता है। क्या आता है? वो टेम्पररी खुशी चाहता है, टेम्पररी मनोरंजन चाहता है, और ये दिमाग हमारे साथ खेलता है। इसीलिए दिमाग से भरोसा कम करना है और अपने अंदर झांकना है और अपने दिमाग अवचेतन मन को बताना है कि मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने खाने के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं। इस वक्त अगर आप यहां बैठे हो और मुझे सुन रहे हो तो ये आपका समय है। क्या है? समय। हाँ, क्योंकि दुनिया में सब कुछ वापस आ सकता है, पैसा भी आ सकता है, अगर ये स्वास्थ्य तबीयत खराब हो जाए तो वो ठीक हो सकती है, दोस्त और परिवार भी लौट के आ सकते हैं, लेकिन समय नहीं। तो अगर हम समय में हो सही इस्तेमाल करें, सही तरीके से हम सारे समय को सेट कर दें और उस समय में हम रोज अपने आप को बेहतरीन लेवल पे लेके जाएं और रोज नए गुण सीखें, गुण समझते हो, कोई नई चीज पढ़ें, कोई नई चीज सीखें, कोई नई चीज जानें, तो हमारे अंदर बहुत खुशी मिलती है। और ये कौन करेगा? मैं खुद। और कब करूंगा? जिस समय मुझे मौका मिला तभी से। मतलब अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि कमर सीधी करके रखना है और डीप सांस लेके यही रह के सुनना है, अभी से करते हो तो आने वाले एक घंटे का अभ्यास आपका पूरा होगा, क्योंकि समय वापस
नहीं जा सकता। और इस समय को इस्तेमाल करना या ना इस्तेमाल करना, यानी उपयोग करना या दुरुपयोग करना, बेटा आप समझ रही हो, छोटे बच्चे सिक्स क्लास के, अगर टाइम का हम सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं। तो अपनी खुशियों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समय के लिए और अपने हर काम के लिए मैं दुखी हूं। अगर मैं किसी से झगड़ा करता हूं या लड़ाई करता हूं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, माँ बाप या भाई बहन भी। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, स्कूल टीचर, माँ बाप, ट्यूशन टीचर या दोस्त या भाई बहन, कोई जिम्मेदार नहीं। अगर मैं किसी के साथ से बातचीत करता हूं और उस वक्त मैं ज्यादा आवाज में या कम आवाज में बोलता हूं और उससे अगर कोई बात बनती बिगड़ती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं क्या एक्सरसाइज करोगे? क्योंकि अभी ये अगर एक्सरसाइज करते हो, रोज करते हो शीशे में देखकर और इसको फील करते हो, तो आपका आज इस मन समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या अच्छी चीजें क्या करनी है और बुरी चीजें। हम जब बुरी के बारे में सोचेंगे नहीं तो बुरा नहीं होगा, दिमाग अपने आप को हमेशा बचा के रखता है। तो मैं का एक्सरसाइज करते हैं, क्या करेंगे? बोलो मैं। वेरी गुड। आप लोग अपना नाम जानते हो? यस सर। अपना आखिरी नाम कब लिया था कॉपी में देखने के बाद? बिना कॉपी में देखे कब आपने अपना आखिरी बार नाम लिया है? अब आप रोज लो, जब आप शीशा देखो अपना नाम लो, देखो उसको इज्जत से बोलो, क्योंकि जब आप इज्जत से लोगे तो आपका दिमाग इज्जत से लेगा और जब आप खुद इज्जत करोगे तो आपको हर कोई इज्जत देगा। इज्जत अर्न की जाती है, क्या जाती है? कमाई जाती है और खुद से शुरू की जाती है। किससे? मैं ही करूंगा तभी होगा, अगर मैं ही नहीं करूंगा तो क्या दूसरा कोई करेगा? दूसरे लोग नहीं करेंगे, ये मेरी चीज है, मुझे कदर करनी है। तो मैं एक्सरसाइज रिपीट करते हैं, बोलो मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी दोस्ती के लिए जिम्मेदार हूँ। देखो कितना मुस्कुरा रहे, है ना? क्योंकि दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको आदत नहीं है, उसको आदत डलानी है। करोगे? ये शब्द थोड़े से कम है, आप अपनी जिम्मेदारियां खुद चुन सकते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा पढ़ाई लिखाई सब। और इसको रोज करोगे? अच्छा लगा ये एक्सरसाइज? जब आपने मैं को पहचान लिया तो यहाँ पे आता है कि मुझे कैसे खड़े होना है और कैसे बोलना है, क्योंकि जब किशोर अवस्था होती है तो मेरी आवाज चेंज होती है, लड़कियों की आवाज मीठी हो जाती है और लड़कों की थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, राइट? और हमारी बॉडी ऐसे खड़ी होती है, हम कभी ऐसे खड़े होते हैं, कभी ऐसे खड़े होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अच्छा बॉडी लैंग्वेज बनाना है, यानी शरीर की अपनी एक भाषा होती है जो शब्दों के अलग होती है। बेटा बात में अभी इतनी अच्छी बातें कर रही थी और एक दूसरे को दबाना नहीं, खड़े हो जाओ, कमर सीधी करो, छुपो नहीं, नजरें मिलाओ। छुपना क्या बताता है? कि मैं डर रहा हूं, राइट? यहाँ पे कोई आलोचना नहीं है। हमें कैसे खड़े होना है और कितनी आवाज में बोलना है ये हमें सीखना है रोज हर वक्त, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं किसी को बोलता हूं तो उसके कानों तक पूरी आवाज जाए और उसके बाद मैं उसके शरीर को देखूं कि क्या उसने हाव भाव दिए, अगर हाँ ना गर्दन की तो मैं उसे क्लियर करूं, ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसे क्लियर करूं, क्या आपने सुना? अगर आपने सुन लिया तो ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? अगर नहीं तो मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा। अगर फिर भी ना आए, बेटा इधर देखो, अगर फिर भी अगर उसको ये बात समझ ना आए तो आप फिर से कोशिश करो दूसरे तरीके से समझाने की, लेकिन इन सारी चीजों में आप लोगों को बहुत अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि उस व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे गुस्सा नहीं होना कि दो बार पूछा, तीन बार पूछा तो मैं बता नहीं पाया, राइट? तो हमें क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज डेवलप करना है और अपनी आवाज
क्लियर रखनी है। अगर हम ऐसा रखते हैं तो 90% काम हमारा हो जाएगा। अब सोचो एक बार किस वक्त आपका बॉडी लैंग्वेज और आवाज की वजह से आपके घर में पिटाई या डांट पड़ी है, हुई है ना कई बार, ऊंची आवाज नीची आवाज, क्योंकि आवाज हमारी इस उम्र में बदल जाती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम इसका अभ्यास करेंगे आने वाले 21 दिन में तो हम देखेंगे हमारा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जो काम नहीं भी हो रहा होगा लोग खुद हमारी मदद करेंगे जब हमसे प्यार से बात करेंगे। केवल ये मतलब के काम के लिए नहीं, हर वक्त हर घड़ी, चाहे हम गुस्से में हो और चाहे अच्छे में हो, गुस्से में भी हो या खुशी में, हमें अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखना है और आवाज सही रखनी है। बावजूद इसके टाइम इसलिए देख रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी खत्म हो जाए, है ना। बावजूद इसके हमारे पास एक और प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पाते। हम सुबह से शाम तक उठते हैं, सुबह जब बिस्तर से उठते हैं 5 से 6 बजे, राइट, हम ब्रश करते हैं और फिर वॉशरूम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पानी पीते हैं, राइट, और फल फ्रूट्स खाते हैं। सुबह ब्रेड बिस्किट ये सब नहीं खाते हम क्या खाते हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं या फिर घर में जो बॉइल ये पानी में भिगो के रखा है, चना मूंग टमाटर काट के प्याज काट के लहसुन काट के अदरक डाल के उसको खा लिया हमने। खाने के बाद हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं आधे घंटे, है ना, करते हैं। उसके बाद हम पढ़ाई करने बैठते हैं, पढ़ाई करके फिर हम स्कूल की तैयारी करते हैं, राइट। तो उस बीच में जो भी आप छोटा छोटा काम करते हो वो आपको खुद करना है। किसको करना है, क्योंकि कौन जिम्मेदार है, आपको इंतजार नहीं करना है कोई ब्रश लाके दे, कोई साबुन लाके दे, कोई तौलिया लाके दे, कोई बैग तैयार करके दे, नहीं, आपको ये काम खुद करना है और अपने भी करना है और भाई बहन ये छोटे भाई बहन उनकी मदद भी करनी है। करोगे? यस सर। वेरी गुड। क्योंकि जब आप ये काम करते हो तो आप एक इसमें काम कर रहे हो, एक छोटी छोटी आदत बना रहे हो। क्या बना रहे हो? वो छोटी छोटी आदत आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है। आपको रोज समझ में आएगा कि अगर मैं किताबें कितना रखूं, कितनी जरूरत है, तो आपका बैग भारी होगा क्या? अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को कौन से विषय लेके जाना है और दूसरे पे निर्भर करना, तो बैग हमेशा भारी रहेगा। और किताबों को रखने की टेक्निक भी आपको धीरे धीरे एक दिन आ जाएगी और आसानी से कम किताब में कैसे आना है, क्या करना है, ये सारी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा। तो इसी क्रम में क्या होता है, आप रोज अपने आप को कोसते हो, क्योंकि सुबह से शाम तक लाखों विचार मेरे दिमाग में आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, रोज नए क्रिएटिविटी आते हैं। लेकिन हम उसको उतार पाते हैं क्या कॉपी पे? नहीं, हम उसको भूल जाते हैं शाम तक। सब लोग भूल जाते हो कि किसी को याद रहता है? रोज नया आइडिया क्लिक करता है कि नहीं? हजारों विचार आता है ना, आप भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आपने उसको याद रखने के लिए सोचा नहीं। आपको लगता है कि बेकार है, आप फालतू कामों में टाइम वेस्ट कर देते हो। लेकिन ये आदतें, ये जो विचार आपके दिमाग में और ये आइडिया आया, ये आपको एक बेहतरीन दिशा की तरफ ले जा रहा है। आप रोज नई चीज सीख रहे हो, आप रोज बीते हुए कल से आज हमेशा बेहतर हो रहे हो। आप कल छोटे थे आज बड़े हो गए, क्या आप वापिस छोटे हो जाओगे कल? हमेशा बढ़ते जाओगे। ऐसे ही आपके नॉलेज का लेवल भी बढ़ता जाता है। जब आप कोई नई चीज सीखते हो, पहली बार हो सकता है सब्जी काटने का टेक्निक ना आ रहा हो, लेकिन एक समय आएगा आप बेहतरीन सब्जी काटने लगोगे जैसे मम्मी पापा कर रहे हैं। पहली बार जब आपने क ख ग लिखा होगा तो बहुत दिक्कत हुई होगी, लेकिन आज दिक्कत होती है क्या? अब आपको प्रश्न और उत्तर खोजने में दिक्कत होती है और उसके रीडिंग करने में दिक्कत होती है, उच्चारण करने में दिक्कत होती है, पूछने में दिक्कत होती है कि मैं किसी से कैसे पूछूं, कहीं वो मेरी बेइज्जती तो नहीं कर देगा, मुझे डांट देगा बोल के। तो कौन रोकता है इसको पूछने से? तो आप लोग रोज बेहतर हो रहे हो, लेकिन शर्त यह है कि मैं अपने आप को पहले पहचान लूं, तो ये एक्सरसाइज उधर करेगा। तो अब क्योंकि गोल मुझे मिला नहीं, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरी बात सुन रहे हो? मेरा मकसद क्या है कि मैं जिंदगी में क्या बनूं? मेरा पहला मकसद है कि मैं अपने आप को रोज बेहतर बनूं और मैं अभी जिस उम्र में हूं इस उम्र को एंजॉय करूं। और वो एंजॉयमेंट आएगा जब मैं कोई नई चीज सीखूंगा। एंजॉयमेंट टीवी नहीं होता है, एंजॉयमेंट फास्ट फूड नहीं होता है, एंजॉयमेंट साइकिल तेज चलाना नहीं होता है, एंजॉयमेंट मोटरसाइकिल लेके बिना बताए भागना नहीं होता है, मोबाइल लेके फायर फ्री फायर या फिर पबजी खेलना नहीं होता है। एंजॉयमेंट होता है मैं रोज कोई नई चीज जानूं, कोई नई चीज सीखूं,
कोई नई चीज पढ़ूं, और जब आपका दिमाग ऐसा करता है तो आपको बड़ा मजा आता है और आप किसी को बताना चाहते हो कि मैंने आज ये नई चीज सीखी है, नई चीज की है, और किसको बताते हो? और भाई बहन को, दोस्तों में। और जब वो देखते हैं ये कैसे हुआ, तुम्हें कैसे पता, तो मजा आता ही नहीं आता? Yes, sir. आता है? Yes, sir. तो ये कब आएगा? जब आप रोज उसको खोजोगे, और वो खोजने के लिए आपको अपना मार्गदर्शन चाहिए। मुझे चाहिए कि कोई मुझे बताए कि मैं कौन हूँ। आप उस चेहरे को जिसको देख रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, उसके आगे अपना मकसद चुन लो। यहाँ पे जो बच्चे बड़े हैं 9th और 10th के, कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। आप लोग कुछ बनना चाह रहे हो अभी से? कुछ जिंदगी में बनना चाहते हो? कुछ आपने सोचा है कि मैं ये बनूंगा? क्या बनना चाहते हो? है बेटा? हाँ, आप बोलो। कंफ्यूज हो? कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो एक पिक्चर होगा। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यूपी में कल्चर है कि हम सभी को टीचर बनना है। क्यों? क्योंकि आपने टीचर को देखा है स्कूल में, हमने महसूस किया है, और हमने उनको रोज देखती है, इसलिए हमको लगता है कि हमें एक बेहतरीन टीचर बनना चाहिए, राइट? अगर हम लोग टीचर बनने के मकसद में जाएंगे और रोज अपने आप को टीचर करके पुकारेंगे तो क्या होगा? हम टीचर के बारे में और ज्यादा जानेंगे। हम ये जानेंगे कि टीचर कौन है। क्या स्कूल में ही केवल टीचर होते हैं? जब हम टीचर के बारे में पढ़ेंगे तो पता चला, अरे ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी टीचर होते हैं, वैज्ञानिक के भी टीचर होते हैं, इंजीनियर के भी टीचर होते हैं, सबके टीचर होते हैं। अब आप तय कर पाओगे कि मुझे अब कौन सा टीचर बनना है। लेकिन शर्त क्या है कि सबसे पहले क्या करना है? सोचना है, और मुझे अपने आप को पुकारना है। अब आप में से कोई एक बच्चा होगा जो आईएएस बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? आईएएस। और आप में से कोई एक बच्चा होगा जो पीसीएस बनना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा, वो पक्का बनेगा, वो बच्चा जरूर बनेगा। कोई बच्चा यहाँ पे पुलिस बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है ना? तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं एक काउंसलर बनूं या साइकोलॉजिस्ट, तो मैं अपना नाम शीशे में कैसे लूंगा? साइकोलॉजिस्ट राकेश कुमार पांडे। आप अपना नाम लोगे? ले सकते हो क्या? आप अपने आप को बोलो कि मैं आईएएस, क्या नाम बेटा आपका? अक्षय। आईएएस अक्षय, कितना प्यारा नाम है, अच्छा लगता है सुनकर। अपने आप को बोलो आईएएस अक्षय। आईएएस अक्षय, वाह, आईएएस अक्षय क्या खूबसूरत हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें आईएएस बनने की मदद करेगा, तुम जो चीज पढ़ रहे हो ये तुम्हें याद रहेगा, तुम एक बेहतरीन इंसान बन रहे हो। आईएएस अक्षय, तुम रोज से बेहतर याद रखने की क्षमता बढ़ रही है। तो आईएएस अक्षय किसको बुला रहे हैं? खुद को। किस में बुला रहे हैं? शीशे में। तो इसका दिमाग उसको फील करेगा, क्या करेगा? फील करेगा। ये आईएएस आईपीएस पीसीएस एडवोकेट, ये सब आपका गोल हो सकता है। जब आप रोज उसको देखोगे और रोज उसको पुकारोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज को फोकस करेगा जो आप बनना चाहते हो। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर की चीजें ही पढ़ेगा बुक्स के अंदर। आप क्वेश्चन आंसर से बाहर निकल के बुक्स को पढ़ना शुरू कर दोगे। बस पे रखोगे टीचर्स के बारे में कुछ लिखा है, दीवार पे रखोगे टीचर्स के बारे में कुछ लिखा है। अगर आपने बोला कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो मैं हमेशा उसी को देखूंगा, उसी को सुनूंगा, उसी को सुनूंगा और उसी के बारे में बात करूंगा। और अगर 10 कमरे बाद भी कोई उसकी बात करूंगा तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे। होता है, जो मनपसंद चीज होती है वही सुनने में मजा आता है। और जब कोई बोलेगा तो हमारे ऐसे दोस्त ही बनते हैं। ये तरीका है कि मैं अपने लक्ष्य की निर्धारण कर सकूं। तो आप सभी को अपना गोल मिल गया? Yes, sir. लेकिन कोई एक बच्चा होगा जो बोलेगा सर मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, जैसे बाबू ने। तो आप क्या बोलोगे? मैं एक बेहतरीन इंसान बनूं। क्या? क्योंकि एक बेहतरीन इंसान कोई भी काम कर सकता है। जब आप बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करोगे तो एक बेहतरीन इंसान क्या पढ़ता है, वो कैसे बातचीत करता है, कैसे खड़ा होता है, क्या खाना खाता है कि वो बेहतरीन बनता है, आप उसी के बारे में देखोगे, उसी के बारे में सुनोगे और उसी के बारे में बोलोगे। तो जब आप कोई दो लोग आपस में बातें करेंगे और आपको लगेगा कि ये बेहतरीन है, तो आप उसकी चीजों को कॉपी भी करोगे। करोगे? कॉपी क्यों करोगे? क्योंकि हम कई चीजें दूसरों से सीखते हैं।
लेकिन केवल अच्छी चीजें हम सीखेंगे, फिर हम बुरी चीज पे फोकस नहीं करेंगे। बावजूद इसके क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या बनूंगा, हो गया, और मैं जानता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन मैं। वेरी गुड, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो अब दो चीजों की, अब तीसरी चीज, अपनी तारीफ हमें खुद करनी है। क्या करनी है? क्यों? क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम करता नहीं। तो अगर हम तारीफ करेंगे तो हमारा दिमाग हमेशा अच्छी बातें सुनेगा। अगर कोई ताली बजाएगा तो हंसेंगे नहीं, हम उसे थैंक यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैंक यू। अगर कोई हमें धोखा देगा तो हम उसे नाराज भी होंगे, हम उसको भी माफ कर देंगे और खुद को भी माफ कर देंगे और उसको बोलेंगे थैंक यू, क्योंकि तुमने मुझे ये अनुभव दिया, तुमने ये एक्सपीरियंस दिया। अगर मैं कभी एग्जाम में फेल होता हूँ, किसी एक एग्जाम में, जैसे यूनिट टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, अगर मैं उसमें फेल हो गया तो मैं उसको अनुभव बोलूंगा। क्या बोलूंगा? हाँ, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं टीचर से जानूं या अपने प्रश्नों को पढ़ूं कि मैंने कहां गलती की, और उसको जाके डबल मेहनत से उसको करता हूं, और अब की बार मैं बेहतरीन उत्तर लिखूंगा ऐसा मैं सोचता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कमी कहां रह गई, मैं सारा दिन खेलता रह गया या सोता रह गया या रिश्तेदारी निभाता रह गया। तो जब आप अपने आप को पहचानेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, आएगा ना? तो वो आपका क्या होगा? अनुभव। क्या होगा? अनुभव। हाँ, क्योंकि पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। वेरी गुड। तो अगर कभी फेल होते हो या कोई काम करते हो उसमें निराशा हाथ लगती है तो उसको यह मत बोलो कि मैं हार गया या मैं फेल हो गया या मेरे से हुआ नहीं, उसको बोलो कि मुझे अनुभव मिला और मैं फिर से कोशिश करूंगा। क्या बोलोगे? और मैं फिर से, क्योंकि मैं क्या हूं? हीरो। क्या हूं? क्या हूँ? हीरो। हाँ, लड़कियां हीरोइन, क्योंकि हीरो कभी हार नहीं मानता, और हम सब अपनी जिंदगी के क्या है? हीरो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की वाला सब करूंगा, हीरोइन तो लोगों को अजीब लगेगा, लड़कियां खुशी नहीं है ना? क्या ये गलत बात है? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, तारीफ करना किसका काम है? वेरी गुड। अब इसके बावजूद भी फिर भी हम लोगों के दिमाग में गंदी चीजें आ जाती, क्यों आती है? क्योंकि जब हम घर के बाहर या स्कूल के बाहर कदम रखते हैं तो हमारे सामने लोग वो गंदा काम करते हुए नजर आते हैं। कोई गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई हमारे सामने पान खा के थूक रहा है, कोई पान खा रहा है, पिक्चरों में दिखा रहे हैं। क्या हम इसको मना कर सकते हैं क्या? ये मेरा काम नहीं है ना? तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम अपने दिमाग के और आंखों के सामने, कान के पास, स्किन पे, सब जगह एक फिल्ट्रेशन रखें। और केवल जब हम स्कूल आ रहे थे तो हमने क्या ये सब चीजें नोटिस की? सीधे स्कूल आए ना? ऐसे ही जिंदगी का जब गोल आपको मिल गया तो आप इन सब चीजों को नहीं देखोगे। लेकिन शर्त क्या है? कि शीशे में रोज ये चीज दोहराओ। कितने दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन नहीं, रोज, हर वक्त 21 दिन तो कम से कम कोशिश करो, इतना करो कि आपकी आदत बन जाए, आपको खुद से हंसी ना आए, ऐसा ना लगे कि अजीब सी बात लग रही, राइट? करोगे? अब हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, राइट, तो हमारा ब्रेन क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर एक ग्लैंड है और एक हार्मोन है। हार्मोन एक केमिकल है और ग्लैंड एक ग्रंथि है, एक मशीन है जो इन केमिकल्स को, जो हार्मोन नाम का केमिकल है, हार्मोन और केमिकल ऐसे ही समझो आप, हार्मोन ही एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में खून के अंदर जाता है। यह हमें हंसाता है, हमें रुलाता है, हमें डराता है, हमें घबराता है और बेचैनी लाता है और समय को स्लो कर देता है। समय स्लो होता है कभी? अगर किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हो तो समय स्लो हो जाता है ना? जब पढ़ने लगते हो तो समय स्लो हो जाता है, लगता है कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन टीवी देखते हो या गेम खेलते हो तो तुरंत निकल जाता है, राइट? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर में बनने वाला हार्मोन, क्योंकि किशोर अवस्था में हार्मोन्स बहुत नया है। तो जैसे साइकिल में जब चलाते तो पहली बार गति महसूस होती है, ऐसे ही हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत नया है, हमें इसका अनुभव नहीं है, हमें इसकी आदत नहीं है, तो ये हमारे से सारी हरकतें कराता है। तो इन हार्मोनों को हमारा दिमाग कैसे रिलीज करता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसका कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि मैं अपने आप को पहले पहचानूं, और दूसरी चीज, मैं अगर किसी से गलती करता हूं या मेरे से गलती होती है या उससे गलती होती है
तो मैं उससे सबसे पहले जाके माफी मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? माफी। क्योंकि अगर मैं माफी मांगता हूँ तो मेरा दिमाग उस चैप्टर को क्लोज कर देता है और फालतू हार्मोन्स नहीं निकलता है, उससे मेरा दिल तेज नहीं धड़केगा, मेरे अंदर घबराहट नहीं आएगी, मेरे अंदर डर नहीं आएगा। मैं अपनी इज्जत करता हूँ, किसकी? अपनी। मैं स्वयं की इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं दूसरों को माफ कर देता हूँ और खुद को माफ कर देता हूँ। और जब ऐसा करोगे तो आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। इसके अलावा आप बोलो थैंक यू। क्या बोलो? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोलने का ज्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि थैंक यू इसलिए नहीं कि कॉपी लेना है या कुछ सामान लेना तब थैंक यू, नहीं, बिना शर्त थैंक यू बोलो और उसको फील करो। आप थैंक यू बोलते कभी फील होता है? नहीं। अगर आपने मम्मी पापा के लिए कोई काम किया, किसी अंकल आंटी के लिए काम किया, जब वो आपको थैंक यू बोलते तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप उड़ने लगते हो, ऐसे लगता है दुनिया अलग हो गई, मेरे को उसने अप्रिशिएट किया, आप बहुत दिल लगा के करते हो। जैसे वो थैंक यू बोलता है आपके दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है, उसको फील कराता है, आपके शरीर में केमिकल छोड़ता है और वो आपको एक ऊर्जा देता है जिससे आपका सोने में भी मन नहीं लगता, इसलिए रात रात भर शादी ब्याह में आप लोग जागते रह जाते हैं। आपका मन उसको एक्सेप्ट करके वैसे ही हार्मोन निकालता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। जो पॉजिटिव हार्मोन्स आपके शरीर में निकलते हैं ये आपको जीने का मकसद देता है, स्वस्थ रखता है। अब ये कैसे निकलेगा? ये जब आप थैंक यू बोलोगे उसको जिससे मतलब है और जिससे नहीं है, चाहे वो जीव हो चाहे सजीव हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग क्या क्या है यहाँ पे? ये टेबल जिस बेंच पे बैठे हो, ये पानी की बोतल आपके सामने रखा हुआ स्कूल बस, ये यूनिफॉर्म, ये सूरज, ये हवा, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। ये स्कूल की बिल्डिंग, ये ब्लैक बोर्ड, टीचर्स की चेयर, चॉक्स, राइट, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। और लिविंग थिंग्स में कौन है? टीचर्स, मम्मी पापा, दोस्त, और स्कूल में टीचर्स, वेरी गुड, आपको ये सब लिविंग थिंग है। हम इन सबको जब थैंक यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और जब इस थैंक यू को उसी तरीके से फील करते हैं जैसा हम दूसरों को देते हैं, तो आप देखोगे आप लोग बहुत मजा आएगा जिंदगी में। क्या आएगा? मजा। और हर वक्त आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो ये एक्सरसाइज करें, थैंक यू वाला ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगा, और फिर अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो मैं उससे सवाल पूछ लूंगा। वैसे ये एडोलेसेंट सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, राइट, फिर मैं ये भाषा पे आ जाऊंगा, तो वो सारी चीज कवर कर पाना भी मुश्किल है, राइट। इधर इधर उसे चिंता मत करो, नॉन लिविंग थिंग है, वो मेंटेन हो जाएगा, वो डबल बैटरी है। क्या डबल बैटरी? मोबाइल की अपनी बैटरी और नीचे अलग बैटरी है। मैं यही टेक्निक आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर मैं से अगर आप अपनी पहचान नहीं कर पाते हो तो आपके पास दूसरा चीज भी होना चाहिए, वो होनी चाहिए खुद की तारीफ करना। और अगर ये दोनों काम ना करें तो तीसरी चीज है कि आप सबको धन्यवाद करो और सॉरी बोलो, और भूल कर भी अपने दिमाग में किसी आदमी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या खुद के लिए बुरा मत बोलो। अगर आप बोलते हो कि मैं छोटा हूं तो दिमाग छोटा एक्सेप्ट कर लेगा। बोलो मैं पढ़ नहीं सकता तो दिमाग बोलेगा नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ेगा नहीं। अगर आप बोलोगे मैं ये काम नहीं कर सकता तो दिमाग उसको मान लेगा, वो काम नहीं करने देगा। अगर आप मान लेते कि मैं साइकिल नहीं चला सकता तो क्या साइकिल सीख पाते आप? लेकिन जब आप मान लेते हो कि मैं साइकिल सीख सकता हूं तो गिरोगे पड़ोगे लेकिन साइकिल सीखोगे। आने वाले समय में आप गाड़ी मोटर हवाई जहाज एरोप्लेन एयरशिप पानी का जहाज सब कुछ चला सकते हो, आप सब कुछ करोगे उम्र आने में, सब कुछ करोगे। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं मान लूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, और इसके लिए चाहिए कि मैं सबको थैंक यू बोलूं और सॉरी बोलूं, और अपने मन के साथ या खुद के लिए कभी बुरा ना बोलूं कि मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता। ना शब्द नहीं, ना कहां पे, जब कोई हमारे साथ बुरा स्पर्श करे, क्या करे? बुरा स्पर्श समझते हो? कोई जानता है? अगर कोई हमें गिफ्ट देता है, राइट, चाहे घर में चाहे बाहर, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? यस सर। हमें वो गिफ्ट नहीं लेना है, क्या करना है? और मम्मी पापा को बताना है कि हमें वो गिफ्ट दे रहा था या दे रही थी या दे रही थी, तो मम्मी पापा आपको बताएंगे कि कोई लेना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब आप किसी का गिफ्ट लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समझौता। हाँ, या तो उसको कोई काम लेना होगा
या आपके साथ में कुछ ना कुछ वो चाहेगा। हमें कभी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। पक्का? किसी के सपने तो नहीं टूट गए? नहीं टूटे ना? क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी में उतनी शक्तियां हैं, आप सब में इतनी शक्तियां हैं कि आप खुद पढ़कर अपनी कमाई से वो गिफ्ट खुद ले सकते हो और खुद को गिफ्ट दे सकते हो। और अगर कोई गिफ्ट देना है तो खुश रहने की गिफ्ट अपने आप को दो। क्या दो? खुश रहने। हाँ, और खुश रहने के लिए कौन से मिला रहे हैं? चलो हम लोग थैंक यू का एक्सरसाइज करें। अच्छे हारमोन्स बनाए महसूस करोगे। कमर सीधी करो, लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर लंबी सांस लो, फिर छोड़ो। वेरी गुड। अब हम क्योंकि स्कूल में आए हैं तो हम स्कूल से शुरू करते हैं, राइट? लेकिन ये सिर्फ यहीं पे नहीं, जिससे मतलब रहे उसको नहीं, जिससे मतलब नहीं है उसको भी, जैसे टेबल चेयर क्या हमको मतलब दे सकते हैं? नहीं। लेकिन ये हमको एक चीज दे सकते हैं, वो क्या? पॉजिटिव हार्मोन्स। क्या? पॉजिटिव हार्मोन्स। हमें अंदर से खुश रहने की क्षमता देगा, राइट? और इन सबके रिजल्ट्स आप आगे चल के पढ़ लोगे। अभी आप बहुत छोटे हो इसलिए मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन इन सबके बहुत फायदे हैं अनगिनत, और इनको बताने से ज्यादा आप इनको महसूस करो। करोगे महसूस? याद करो जब आखिरी बार आपको किसी ने थैंक यू बोला तो आपके अंदर कितना मजा आया होगा। वैसा एहसास अपने अंदर लाओ और देखो कितना अच्छा मजा आ रहा है। सभी बच्चे मेरे पीछे रिपीट करेंगे, वेरी गुड। अपने ऊपर हाथ से हाथ रखो, बोलो मैं थैंक यू। पहले अपने आपको बोलो थैंक यू, अपना नाम लेके बोलो राकेश थैंक यू। नहीं बोले खुद को थैंक यू, अपना नाम लेके बोलो राकेश थैंक यू। वेरी गुड। अच्छा लगा अपना नाम सुनकर? और इतना प्रैक्टिस करो कि आपको हंसी ना आए, ये कॉमन लगे। पानी पीना? नहीं? चलो वेरी गुड। थैंक यू प्रिंसिपल सर। बड़ा स्लो बोल रहे हो, इसको अपने मन में बाद में स्लो बोल देना, लेकिन यहाँ तो जोर से बोल दो, रिकॉर्डिंग है ना? चलो वेरी गुड। थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू मैनेजर सर। थैंक यू स्कूल। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू स्कूल बैग। थैंक यू बुक्स। थैंक यू ब्लैक बोर्ड। थैंक यू क्लास रूम। थैंक यू बेंच। थैंक यू चेयर। थैंक यू बुक्स। थैंक यू बेंच। थैंक यू मम्मी पापा। थैंक यू ये सारा दिन। थैंक यू ऊपर वाले। थैंक यू सूरज। थैंक यू हवा। थैंक यू आप। थैंक यू ना। कोई बात नहीं, आप सभी लोग फ्लो में आ गए थे। क्या कहते? जब गाड़ी में हम लोग चलते हैं ब्रेक मारते हैं तो केवल ड्राइवर नहीं पूरे लोग पैसेंजर सफर करते हैं, तो मैं ड्राइवर आप सभी पैसेंजर कैसे करते हैं? थैंक यू कार। थैंक यू कार। थैंक यू ना। थैंक यू ना। थैंक यू मुंह। थैंक यू मुंह। थैंक यू आप। थैंक यू आप। थैंक यू हाथ। थैंक यू हाथ। थैंक यू पेट। थैंक यू पेट। थैंक यू खाना। थैंक यू खाना। थैंक यू बैग। थैंक यू बैग। थैंक यू ये अच्छी सी स्माइल। थैंक यू ये अच्छी सी स्माइल। और आप सभी को थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। अच्छा लगा? यस सर। महसूस किए? यस सर। वेरी गुड। ये कुछ एक्सरसाइज है जो मैंने आपके एज के हिसाब से बताया, लेकिन ये इकलौती नहीं है। क्या नहीं है? इकलौती नहीं है। ऐसी बहुत सारे एक्सरसाइज है जो आप रोज सीख सकते हो, रोज कर सकते हो। आपको जो भी सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप कपड़े पहनते हो ना, जो पसंद आता है वही पहनते हो ना, दूसरे की कॉपी नहीं करते ना, ऐसे ही हमारे टेक्निक्स है। हमें जो टेक्निक कहीं से भी सीखने को मिले और जो हमें रिलैक्स दे और हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करे और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करे, वो टेक्निक हमें सीखना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है, जिंदगी में आगे बढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, और समय का सदुपयोग किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। क्योंकि किशोर अवस्था एकदम फ्रेश ताजा मिट्टी के घड़े की तरह, जो एकदम कच्चा घड़ा है पानी से लगा हुआ, उसको कोई भी शेप आप दे सकते हो, आपको जो बनना है वो सब आप बन सकते हो, और इसको बनने में आपकी मदद करता है आपका दिमाग, क्योंकि दिमाग में बन रहा है एकदम नया ताजा फ्रेश। सबसे छोटी चीज है दिमाग का, वो है न्यूरॉन्स।
वो एकदम फ्रेश है और एकदम ताजा है, इसीलिए आप कोई भी बुरी चीज छोड़ सकते हो और कोई नई चीज सीख सकते हो। और न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, एक कोशिका है क्या, सेल्स, हम लोग सेल से बने, ये सारी चीजें सेल से, हम कंप्लीट सेल से बने हैं, तो एकदम फ्रेश सेल है और एकदम वो इलास्टिक है, कोई भी शेप दे सकते हो। जब 18 साल की उम्र पार कर जाते हैं तो ये न्यूरॉन्स बनने की क्षमता कम हो जाती है, कम बनता है दिमाग की, इसीलिए बहुत मुश्किल होता है कोई नई चीज सीखने में, पुरानी आदतों को छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी कोशिश है कि आप तक बच्चों को मैं आप लोगों की पहचान कराऊं और भविष्य में आप सभी लोग वो बन सको जिसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको वो सारी ताकत दी है कि आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो और बेहतरीन इंसान बनके उभर सकते हो। तो आप सभी बेहतरीन बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और इस समय के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समाज के अच्छे नागरिक बनोगे, क्योंकि हम सब की तलाश है कि एक अच्छा इंसान मिले, है ना, अच्छा माँ बाप मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छा बॉस मिले, अच्छा पुलिस वाला मिले, अच्छा वकील वाला मिले, अच्छा डॉक्टर मिले। अगर मैं खुद अच्छा बन जाऊं तो कितने लोगों की तलाश खत्म हो जाएगी। तो किसको बनना है, मैं खुद, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं परिवार का सबसे छोटा हिस्सा हूं, मैं से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है और देश से दुनिया बनती है और दुनिया इसी ग्रह पे है ना, इस ग्रह को बचाना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी। तो हम कोई भी ऐसी आदत विकसित ना करें जो इस दुनिया को खत्म करे, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज यही में छोड़ना नहीं, इसे रोज अभ्यास करना, इसी वक्त से अभ्यास करना, बाहर जाने के बाद भी अभ्यास करना, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर को हम लोग नहीं सिखा सकते ना, अपने भाई बहन को सिखाना। और जो बच्चे इस क्लास में इस वक्त थे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास के बाहर होंगे दिमाग से, दिमागी तौर पे, अगर वो बाद में आपसे पूछते तो उनको बताना, क्योंकि बताने का मजा बहुत आता है ना, किसको सिखाने का मजा आता है, yes, sir. तो आप उसको सिखाओ और इतना सिखाओ कि आप खुद सीख जाओ, राइट? Yes, sir. तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, और यहाँ पे कार्यशाला में समाप्त करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए और यहाँ पे बैठे टीचर्स के लिए और स्कूल के लिए, और ये इतनी अच्छी गैदरिंग हो रही है, आप सभी बच्चे हो ना, सब लोग मिलकर सुने ना इसको, इन सब का तालियों से धन्यवाद। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, क्या है, इसको चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लो, इसका यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाके ये सेशन देख सकते हो और वहां के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो बाय चांस, क्योंकि वो पब्लिक है ना, हर कोई पढ़ लेता है, हम चाहते हैं कि अगर कोई रिप्लाई करे तो हमें मतलब पब्लिकली ना पड़े, तो आपको चाहिए व्यक्तिगत, मतलब आपको पर्सनल आंसर आना चाहिए, राइट, ताकि किसी को पता ना चले, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम अपनी चीजें शेयर करना सबको पसंद ही करते ना, तो हमारी सीक्रेट चीजों को हम लोग फेसबुक पेज है अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट, अगर चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं पेपर में और अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पे भी ये वीडियो डाल दिया जाएगा और आप देख सकते हो, और भविष्य में अगर कभी आपको लगे कि मुझे देखना है कि क्लासरूम कैसा था तो आप इस चैनल पे जाके, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो लेकिन मुझे पता है इतने छोटे हो कि आप लोग मोबाइल जरूर यूज करते अपना नहीं करते तो मम्मी पापा भैया भाभी किसी का यूज करते हो, लेकिन मोबाइल के बारे में एक चीज और जान लो, ये बुरी चीज है जब तक कि हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी चीज जब है जब हम इसको पढ़ाई के लिए और जानकारी के लिए करते हैं, लेकिन ये पहली चीज नहीं है, ये तीसरी चीज है, क्या है, हाँ, पहली चीज में माँ बाप टीचर डॉक्टर या काउंसलर्स आते हैं,
हाँ, पहले माँ बाप, दूसरे टीचर्स, तीसरे डॉक्टर्स, क्या नाम बेटा? हाँ, विपुल के लिए ताली बजाए। तो मोबाइल पे अगर कोई चीज देखते हो आप, तो ये अगर आप सोचोगे कि मुझे अच्छी चीज देखनी, तो अच्छी चीज ही दिखाएगा और आपके माँ बाप भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? तो बेटा यही है सेशन, और यहाँ पे